ऑल ओवर पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामईन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। This is the show थोड़ी थोड़ी बात English पे from the platform of Radio सबका साथ, the project of Nayi Saba and myself called Saba Ghazali. How are you doing, listeners? How are you doing? Hopefully you all are well, staying safe and having a great life journey. Yes, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? कैसी जा रही है आपकी जिंदगानी? और क्या है हालाते हाजरा? बिल्कुल बता सकते हैं आप हमें कमेंट्स पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट हमारे किसी भी मालूमाती कंटेंट के लिए, जो कि है www.naisubah.org naisubah.org। इसके अलावा अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है @radio_sabkasaath। जी जनाब। और अगर आप मुझे पर्सनली ट्वीट करना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है @sweet_pakistan। सो बात करते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट की, जो के है वैसे तो आपका जाना पहचाना, लेकिन जो नए लिसनर्स हैं उनको हम बताते चले कि जनाब हमारा शो होता है थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे, जिसमें हम करते हैं कुछ बातें फ्रेजेस की, कुछ इडियम्स की, कुछ पॉजिटिविटी का तड़का, साथ साथ हालात हाजरा पे डिस्कशंस, और साथ ही साथ फ्रूटफुल टिप्स फॉर इंग्लिश लर्निंग। यस, हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, हम इंग्लिश क्यों सीखें, ये सारी डिस्कशंस होती हैं विद लाइट चिट चैट इन थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे जनाब। सो आज हमारा प्रोग्राम है थोड़ा सा डिफरेंट। डिफरेंट से याद आया कि हम बहुत यूज करते हैं वेरी 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 वेरी, तो आज हम बात करेंगे वेरी की, कि हम वेरी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कोलोकेशंस पे। जी, कोलोकेशन क्या है, क्यों यूज करते हैं, किस लिए जरूरी है, कुछ इम्पोर्टेंट कोलोकेशंस क्या हो सकती हैं, इन सब बातों पे हम करेंगे आज के प्रोग्राम में बात। सो जनाब तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं कोलोकेशंस की जनाब। COLOCATIONS, कोलोकेशंस ये होती क्या हैं, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो जनाब, कोलोकेशंस द वर्ड्स विच आर फिट टुगेदर कॉल्ड कोलोकेशन, वो अल्फाज जो एक दूसरे के साथ मरबूत लगते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, फिट होते हैं, वो कहलाते हैं कोलोकेशन। और इसकी एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इसकी सिग्निफिकेंस से हम इनकार नहीं कर सकते। हम बहुत सारी चीजें कह रहे होते हैं, जैसे कि डूइंग अ मिस्टेक और मेकिंग अ मिस्टेक। यू डू अ मिस्टेक, यू मेक अ मिस्टेक। सो अब यहाँ पर अगर हम मीनिंग्स की बात करें तो मीनिंग तो दोनों के ठीक है, आपकी बात सुनने वाले को डिलीवर भी हो जाएगी और उनको समझ भी आ जाएगी कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो जनाब उस सूरत में हम ये देखते हैं कि जो नेचुरल स्पीकर्स या जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं लैंग्वेज के, वो क्या कहते हैं। सो जब हम जो है वो नेचुरल स्पीकर्स की बात करते हैं, तो उस वक्त जो है वो हमें ये बात देखने को मिलती है कि ज्यादातर वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं मेक अ मिस्टेक, जैसे कि हेयर आर फ्यू मिस्टेक्स विच आई मेड, और हेयर आर फ्यू मिस्टेक्स विच आई डिड। दोनों चीजें मीनिंग क्लियरली बता रही हैं, लेकिन जो कोलोकेशन है, जो दुरुस्त कोलोकेशन है, वो ये है कि हेयर आर फ्यू मिस्टेक्स विच आई मेड। सो आई मेड अ मिस्टेक रादर देन सेइंग आई डिड अ मिस्टेक। सो जनाब इस तरह बहुत सारी कोलोकेशंस हैं जिनको हम वक्तन फवक्तन डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम कहते हैं फास्ट कार, फास्ट फूड, अ क्विक ग्लैंस, सब्सटेंशियल मील। तो इसी तरह से हम ये नहीं कहते अ क्विक कार, अ फास्ट ग्लैंस। तो जो वर्ड्स एक दूसरे के साथ हमें फिट होते नजर आते हैं, जो नेचुरल स्पीकर्स की इंग्लिश में हमें नजर आते हैं, वो हम
यूज कर सकते हैं और वो ही होती हैं दुरुस्त कोलोकेशंस। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो हम अक्सर और पेशतर ये भी कहते हैं She is not of my type or he is not of my type। तो इस सूरत हाल में हम ये नहीं कहते She does not of my type, You do not of my type, You are not of my type, She is not of my type। तो हम नेचुरल स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स को इन चीजों में देखते हैं। सो जनाब, ये तो हुई बात कोलोकेशन की, और अब हम चलते हैं वेरी की तरफ। वेरी जनाब, वेरी वेरी इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वेरी। सो अगर हमें कोई चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्टली क्लीन चाहिए, परफेक्टली नीट चाहिए, तो हम अमूमन कह रहे होते हैं इट शुड बी वेरी नीट, इट शुड बी वेरी क्लीन। तो वी कैन से इट शुड बी इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट, इट शुड बी इमैक्यूलेट। IMMACULATE, इमैक्यूलेट, इट शुड बी इमैक्यूलेट। आई वॉन्ट इट इमैक्यूलेट राइट नाउ। सो इस तरह से हम इस केस में वेरी को अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं वेरी स्लीपी, वेरी स्लीपी, कि हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। आफ्टर वर्किंग द होल डे आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी स्लीपी वी कैन से लेथार्जिक, 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 LETHARGIC, लेथार्जिक, लेथार्जिक। जनाब, ये वो वर्ड्स हैं जो आपकी इंग्लिश को मजीद इम्प्रूव करेंगे, और वोकैबुलरी जब आप सीखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और बोलने में भी अच्छा लगेगा कि आपकी इंग्लिश बोर नहीं है, कि आप बार बार एक ही वर्ड बोले जा रहे हैं। सो हम कहते हैं ना कि अवॉइड यूजिंग द सेम वर्ड्स। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि अगर आप एडवांस वर्ड्स यूज करेंगे तो आप बार बार वही वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, हम कहते हैं ना वेरी सॉरी, आई फेल्ट वेरी सॉरी, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ही वॉज डीपली अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक। वेरी सॉरी के बजाय हम कह सकते हैं अपोलोजेटिक, APOLOGETIC, अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक। तो जनाब, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि he felt deeply apologetic instead of saying he felt very sorry। So इसी तरह से अगर हमें कहना है कि it's very different, जैसे कि हम कहते हैं ना spoken and written English are very different। Yes, spoken English and written English are desperate, are desperate, DISPARATE, desperate, DISPARATE, desperate। Yes, spoken and written English are quite desperate, as written English is very formal and in spoken English we use so many informal phrases। So जनाब, hopefully कि आपको आज का show बहुत पसंद आया होगा, और जनाब आज हमने इंग्लिश पे एम्फसाइज किया, आज हमने थोड़ी थोड़ी के बजाय ज़्यादा ज़्यादा बात की इंग्लिश पे, क्योंकि हमने बहुत दिनों बाद जो है वो बात की है। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। और बिल्कुल शो का इख्तिताम करते हुए बस मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, अपने जाने वालों का ख्याल रखिए, उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपको बहुत चाहते हैं, उनका ख्याल भी रखिए जो आपको नहीं चाहते हैं, और इस तरह से आप उनके दिलों में भी जगह बना सकते हैं। इंसान अपनी जगह बनाता है, किसी का मकाम छीन नहीं सकता। अगर आप किसी को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आप उसको लेट डाउन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उसका काम अच्छा है
तो आप उसको पीछे नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि किसी की जगह कभी छीनने की कोशिश ना करें, अपना मकाम बनाएं। और जनाब बिल्कुल खुश रहिए और खुश रखिए, इसी फॉर्मूला पे अमल कीजिए। इसी के साथ ही मिलेंगे अगले शो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।